तो ये है व्यू अल्फाथम की साइड से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 8 अप्रैल 2021 और आज दिन है थर्सडे का और अभी एक्चुअली बज रहा है 12 और मैं अभी निकल रहा हूँ एक साइट विजिट के लिए, एक मीटिंग के लिए क्लाइंट से सुपरटेक इको सिटी में और वहाँ पे ना उनके पास स्टूडियो अपार्टमेंट है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ये स्टूडियो अपार्टमेंट होता क्या है। जो भी लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा नाम है शिशिर और मैं डेली NCR के वीडियोज़ बनाता हूँ, स्पेशली नोएडा के। तो अगर आपको डेली NCR के वीडियोज़ चाहिए डेली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज हम देखेंगे अंदर से कि ये स्टूडियो अपार्टमेंट दिखता कैसा है और ये होता क्या है। तो चलिए सेक्टर 137 सुपरटेक इको सिटी। ये है इको सूट्स, यहाँ पे स्टूडियोज है। ये है स्टूडियो का टावर, ये है स्टूडियो टावर इको सूट्स और कुछ इस तरह से दिखता है अंदर से। और ये है क्लब हाउस इको क्लब और ये है एंट्री एग्जिट स्टूडियो टावर का। ये है लिफ्ट लॉबी वाला एरिया। तो कुछ इस तरह से लिफ्ट से निकलते ही स्टूडियोज होते हैं और ये देखिए हर जगह स्टूडियो है। तो अभी हम देखेंगे ये स्टूडियोज अंदर से कैसे होते हैं। और ये है स्टूडियो नंबर 1425 और ये हम आ गए हैं अंदर। तो इस तरह से एक कॉमन एरिया रहता है। आप देखिए ये यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं है, यहाँ पे सोफ़ा रहता है। इस तरह से ये दरवाज़ा हो गया, ये है सोफ़ा, ये बेड, कुछ इस तरह से टेबल्स रहते हैं और इस तरह से ये फुल्ली फर्निश्ड रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे आपको माइक्रोवेव मिल जाएगा, चिमनी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक इंडक्शन का वो मिल जाएगा और इस तरह से आपको ये कैबिनेट्स मिल जाएंगे, RO मिल जाएगा। तो सारा काम हुआ हुआ, एक TV मिल जाएगा, लॉकर्स, ये देखिए यहाँ पे आपको रिमोट TV का और इस तरह से बैठने के लिए आपको सोफ़ा, स्टडी टेबल और ये है इसका वॉशरूम या फिर टॉयलेट, ये कमोड लगा हुआ है कॉर्नर में। तो इस तरह से कॉम्पैक्ट रहता है, ये अक्सर लोग लेते हैं जिनको ट्रैवल करना होता है। तो एक ऐसा स्टूडियो लेकर रख दिया किसी ऐसे शहर में जहाँ पे आपका ऑफिस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कबर्ड्स हैं और ये AC है। तो आप देख रहे हो ये फुल्ली फर्निश्ड है और ये कुछ इस तरह से बैल्कनी है। बैल्कनी से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो ये है व्यू। आप देखिए ये बैल्कनी भी काफ़ी अच्छी बैल्कनी है। तो ये बैल्कनी, ये AC का यूनिट और अभी जो मैंने आपको नीचे से दिखाया ये व्यू है। ये बाकी जितने भी आप देख रहे हैं फ्लैट्स, ये नॉर्मल फ्लैट्स है, 2 BHK 3 BHK। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ से नीचे से दिखाया था। तो ये है इको सिटी और ये है इको सिटी के स्टूडियोज़। तो ये है अंदर से व्यू। तो ये है व्यू अल्फाथम के साइड से। और ये कॉमन एक यूटिलिटी एरिया, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये है इको सिटी की मेन एंट्री एग्जिट और ये है स्टूडियो टावर्स और ये फेस करते हैं अल्फाथम नाम से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, एक कमर्शियल प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिसेस आने वाले हैं और बिल्कुल रोड के ऑपोजिट ही ये स्टूडियोज़ हैं, ये स्टूडियो टावर और नीचे दुकानें हैं कॉमर्शियल नीड्स के लिए। तो ये सारी दुकानें अभी ऑपरेशनल है। तो ये तो था एक छोटा सा वीडियो अबाउट स्टूडियो अपार्टमेंट्स। स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। एक्चुअली ये जो छोटे छोटे रेजिडेंशियल ब्लॉक्स होते हैं ये वो लोग लेते हैं जो लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं, जिनके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह में ऑफिसेज होते हैं ओवरनाइट ठहरने के लिए। ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है क्योंकि इसमें सारी फैसिलिटीज़ रहती है, आपको बस अपने कपड़े लेकर आने हैं और अदरवाइज सारी फैसिलिटीज़ इसमें बिल्ट इन होती है। काफ़ी सारे कंपनीज़ जो है वो 100-200 स्टूडियोज़ जो है एक साथ रेंट पर ले लेती है
और गेस्ट हाउसेस जो उनके स्टाफ है जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए, तो काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है, अच्छा खासा रेंट आ जाता है। एक नॉर्मल स्टूडियो फ्लैट 500 स्क्वायर फीट का अराउंड 15,000 रेंट दे देता है, जो कि 2 BHK के रेंट से भी ज़्यादा होता है। तो काफ़ी लोग स्टूडियो फ्लैट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली इसी तरह से डेली NCR के वीडियोस पोस्ट करता हूँ, स्पेशली नोएडा के वीडियोस। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।